दोस्तों, तुम लोग सोच रहे होगे कि इस वक्त मैं कहाँ पे हूँ। अगर तुम लोग सोच रहे हो कि मैं कोयटा में हूँ तो मैं कोयटा में नहीं हूँ। मैं हूँ इस वक्त सिबी में। मेरा सिबी आना इस तरह हुआ कि मेरा एक दोस्त है रहीम। रहीम ने मुझे 5 बजे कॉल किया था, 7 बजे हम लोग सिबी चल रहे हैं, चल रहे हैं। मैंने कहा यार ना मेरी कोई तैयारी है, ना बैटरी चार्ज है, ना कुछ है। अगर तुम लोग सोच रहे हो कि मैं हाँ बोल दूंगा तो तुम लोग सही सोच रहे हो। तो चलो सिबी। भाई रहीम पहुंच चुके हैं। रहीम आपने इतना लेट क्यों किया यार? सॉरी यार, एक बंदे की वजह से हम लोग लेट हो गए, उसके लिए सॉरी सॉरी सॉरी। ओके, अभी हम लोग कोयटा से निकले। तकरीबन हमारे साथ फहीम भाई हैं, पीछे दानिश हैं और साथ में रहीम भी हैं। फहीम भाई कितने हम लोग टाइम तक पहुंचेंगे सिबी? अभी तो तकरीबन 2 घंटे का सफर है। अभी 2 घंटे का सफर है, अभी हम लोग तकरीबन कोलपुर पहुंचने वाले हैं। 10 बज के 10 मिनट हो गए। प्लान बना था 7 बजे का। रहीम जो है वो कुछ ज्यादा ही होशियार है, टेढ़ होशियार कहते हैं ना। लेट किया वैसे। मैंने कहां से लेट किया यार? मैं ये टाइम लगाऊंगा। मैं सबसे पहले उठा। मैं कोई मुझे पूछा था, बताओ। अभी हम लोग कोलपुर रुके हैं। अभी हम लोग हैं माशाल्लाह होटल पे। रहीम थोड़ा सा उदास लग रहा है। नहीं नहीं, उदास नहीं हूं। रहीम बहुत उदास है। रहीम ने आज मुझे फिर 1000 रुपया देना। रहीम ऐसी मैंने ना अच्छाई करनी है। ओके, अभी हमारे साथ फहीम भाई। फहीम भाई हमारी पहली गाड़ी के ड्राइवर है और उम्मीद ये है कि ये सही सलामत हमें सिबी पहुंचा दें। इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है गाड़ी चलाने का? तकरीबन 6-7 साल के। बस मतलब हम लोग सेफ पहुंच जाएंगे, बस यही सुनना था मुझे आपसे, यही सुनना था। ओके, अभी हम लोग कोलपुर रुके हैं और अभी हम लोग नाश्ता करने वाले हैं। आपको भूख लगी है? अरे भूख तो लगी। कितनी लगी है? कि सुबह से निकले हुए नाश्ता भी नहीं किया। लगी मुझे इतनी लगी है, मैं 3 पराठे खा जाऊंगा। अच्छा, हाँ जी 3 पराठे। हाँ जी, आपकी सेहत से नहीं लगता? आप देखिए, आप तो मेरी सेहत देखो और आप अभी देखें, अभी जब वो लाना शुरू करेगा तो आप देखें फिर क्या होता है। अच्छा, वो कौन सी चीज़ जिसे हम खाने के लिए खरीदते लेकिन उसको खाते नहीं है, क्या है? यार सोच रहा हूँ, थोड़ा टाइम लगता है यार। नेक्स्ट स्टॉप पे बताऊँगा। नेक्स्ट स्टॉप पे यार बहुत इजी है। तो हमें नहीं पता ना, इजी तो होगा लेकिन हमें नहीं पता। बहुत इजी है। ओके, ये कौन भाई हैं? भाई और दानियल भाई, ये हमारी सेकंड गाड़ी के ड्राइवर हैं। कितने अरसे से आप गाड़ी चला रहे हैं? यार 5 साल से। 5 साल से? ठोकेंगे तो नहीं? उम्मीद से पहुंचा देंगे। बस मैं वैसे उस गाड़ी में हूँ, कोई टेंशन नहीं है मुझे। रुके हैं यहाँ पे, ब्रेक ले रहे हैं एक छोटी सी, उसके बाद वापस हम लोग सफर पूरा करेंगे। जंक्शन, जिस तरह आप लोग देख सकते हो सिबी जंक्शन का ये चक्कर है, ये स्टेशन है सिबी का। मैं जब भी आया हूँ, लाहौर गया हूँ, ट्रेन पे गया हूँ, मैं सिबी स्टेशन के उस तरफ से रहा हूँ, इस तरफ मैं कभी नहीं गया। आज मैंने पूरा बाहर से भी देख लिया कि सिबी जंक्शन दिखता गया। स्टेशन के अंदर से तो देखा ही देखा था, आज बाहर से भी देख लिया। ओके, अभी दानिश हमें बताएंगे रहीम की जो पहेली है उसका क्या है। पहेली थी इसकी कि वो क्या चीज़ है जो हम खाने के लिए खरीदते हैं मगर खाते नहीं। तो मैंने इनको आंसर किया कि वो दस्तरखान हो सकता है। गर्मी बहुत ज्यादा यहाँ पे। चलो देखते हैं अभी कि इसका आंसर क्या है। अगर तुम लोगों को पता है जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दो ताकि इन सबसे पहले तुम्हें पता हो। ओके भाई, हम लोग सिपी बाजार आए हैं, यहाँ से हम चीजें लेंगे बनाने के लिए। टमाटर लेंगे, चिकन लेंगे,
क्या ले रहे हैं आज आप? चावल ले रहे हैं। चावल पकाएगा कौन? आते किस पर? फिर पक गए चावल अगर वो बना रहा है तो। पक जाएंगे सर, ऐसी बात नहीं, टेस्टी वो भी ऐसे वैसे नहीं। मैंने सुना मीठी टाफियां खरीद रहे हैं। हाँ बिल्कुल, कौन सी खाना पसंद करोगे आप बताओ? मीठी टाफियां, हर तरह की टाफियां हैं। ये मीठी सेवी है। अच्छा, इसको शिंगर कहते हैं वैसे। अच्छा, और ये सौंफ है। बिल्कुल, ये मुझे नहीं पता क्या चीज़ है। ये क्या चीज़ है? बंटी कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं? बंटी बोलते हैं, मीठे रंग रंग बरंगे बच्चों के खाने के। अच्छा अच्छा, ये क्या चीज़ है? तो मोमो कहते हैं। मोमो? जी हाँ, मोमो चिप्स। मोमो खाओ, सेहत बनाओ। सारंग के लिए अपने लेने लगे शॉर्ट्स। ये कौन से शो? कौन सा पसंद है आपको बताओ? ये कैसा लगेगा? ये वाला ये अच्छा लगेगा वैसे। एक अंडरवेयर भी ले। फुल बाजू जुराबे भी है। फुल बाजू जुराबे कौन सी होती है? पहेली का जवाब देंगे सारंग। सारंग दानिश बता, कौन पहेली थी कि वो कौन सी चीज़ है जो हम खाने के लिए खरीदते हैं लेकिन खाते नहीं है? ये पहेली पहेली होती है, किस तरह की नहीं होती? कोई नई पहेली आई है। हाँ, ये पहेली है। हाँ जी, तो ये सोचो और फिर आपने जाजिब को इसका आंसर कर। हाँ, अगले साल दे दें। नहीं भाई, समझ नहीं आ रही। 500 का नोट तो जो मलंग कर रहे। 500 का नोट कितना? 500 का नोट भाई, 10 रुपए नहीं, 20 रुपए नहीं, 100 रुपया नहीं, 500 रुपया। मैं गाड़ी से आ रहा हूं। ये सीट बैठा कैमरे वाला। अल्लाह सब का मदद। हां थोड़ा भाई, ये मुझे मोर पर लगा रहे हैं। लाल जी, तुम गाड़ी साफ करो, तेरे सर में मिट्टी भी झाड़ दी भाई। ओके, अभी हम लोग जा रहे हैं नाड़ी गाछ। ये सिब्बी का एक पिकनिक पॉइंट है। हमारे साथ है फहीम भाई। फहीम भाई हमें लेके जा रहे हैं। फहीम भाई, अच्छी जगह है कि नहीं जगह? बहुत प्यारी जगह है। आप सुरदा तो नहीं होंगे आप लोग वहाँ जा? नहीं नहीं नहीं, वो कौन सी चीज है जो हम लोग खाने के लिए खरीदते हैं लेकिन उसको खा नहीं सकते? प्लेट। ओके भाई, अभी हम लोग आए नाड़ी गाज। नाड़ी गाज में यहाँ पे एक डैम है, वो देखने आए हैं। बहुत ही अच्छा डैम है, तुम लोग भी देखो और मुझे बताओ कैसा है। अभी हम डैम तक पहुंच गए, लोग बोल रहे थे बहुत ज्यादा पानी, बहुत ज्यादा पानी है। अब आके देखा कुछ ज्यादा ही पानी है। ये देखो, दानिश जोर लगा कश्ती नीचे कर यार, बस मैं टाइटैनिक का रुख मोड़ रहा हूँ। सामने आइसबर्ग आ गया, जल्दी यार। ओ भाई, तो भाई पानी खुल गया, पानी खुल गया, निकल निकल निकल, पानी खुल गया। नाज़रीन, मैं आपको आज मौसम का सूरत हाल बताता चलूं। ये सिबी का शुमाली इलाका है, यहाँ पे बहुत सख्त गर्मी है। किस तरह हम लोग सरवाइव कर रहे हैं हमें पता है। हॉलीवुड एक एनिमेशन करेक्टर हल्क, वो हमने उस तरफ डैम की उस तरफ देखा, वो वहाँ पे नहा रहा था, वो वहाँ पे नहा रहा था। तो आप रिजल्ट देख सकते हैं, पानी का कलर ग्रीन हो चुका है। हाँ, यहाँ पे ड्रोन उड़ाना अलाउड नहीं है, वरना मैं ड्रोन तो लाजमी उड़ाता। कोई बात नहीं, आगे उड़ाते हैं कहीं जाके। ये था नाड़ी गाछ और अभी हम लोग जा रहे हैं एक गांव की तरफ। आपको वो गांव भी दिखाते हैं कि वो कैसा है। ओके भैया, तुम लोगों को पता है कि कॉटन कैसे बनती है? अगर नहीं पता, ये पीछे मेरे कॉटन के सारे जो है खेत है, क्या कहते हैं खेत हैं, ये सारे कॉटन के हैं। यह मतलब कि ऊन जो होती है, कॉटन होती है, वो इस तरह बनती है। ये देख रहे हो, ये कॉटन लगी हुई है।
अभी हम लोग जा रहे हैं लूनी गांव और जिम ज्वाइन करना चाहिए यार। ये गैस है गैस है ये। हाँ पेट नहीं, पेट नहीं निकला, गैस है, गैस है। आपकी अभी तक बैटिंग नहीं आई, आखिरकार टेस्ट मैच है। डेली ये कि वो कौन सी चीज है जो हम खाने के लिए खरीदते हैं लेकिन हम उसे खाते नहीं है। आज के दिन में आप ये आंसर करना है। अच्छा, तीन घंटे सोच के हैं। अभी रुकी, हम लोग यहाँ पे पानी भरने के लिए, एक नहर जा रही है यहाँ से, हम लोग पानी भर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे जहाँ हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे कोई पानी का बंदोबस्त नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो पानी हमें यहाँ से भरना पड़ेगा। हम लोग अभी सिब्बी में, लूनी का इलाका है ये सारा, और अभी हम लोग आगे जाएंगे, पहाड़ी इलाका है, पानी भर लिया है, अभी हम लोग आगे जाने वाले हैं। ये भी लूनी का एक ट्रेडिशन है, ऐसी टोपी पहनना, ऐसी टोपी पहनना, ऐसी टोपी पहनना। वो देख रिकॉर्ड कर रहा है। आज का जो दिन है ना, मुझे लग रहा है कि एडवेंचर से भरा होगा। मेरे साथ तुम लोग भी हो, देखते हैं क्या होता है। ओके, गाड़ी फंस चुकी है और अभी निकालने की बहुत ज्यादा कोशिश हो रही है। मेरे भाई मैं था सर टाइम पे चला भाई, रेगिस्तान में ही आ गए हैं, पता नहीं, समझ ही नहीं आ रही कुछ भाई। यहाँ पे तो भेड़िए भी हैं, जिस तरह कैसे रहे हैं आसपास, ऐसे ऐसे चलते हैं, ऐसे ऐसे चलते हैं। दोनों ख्याल वैसे ये जगह ज्यादा अच्छी है, ये बेस्ट है, कसम से इस निकला हूँ, ये ज्यादा बेस्ट है। इसको बोलो जोर नहीं लगाना, इधर सो रहे, पानी निकलेगा फिर गाड़ी नहीं निकलेगी। जमीन से पानी निकलेगा? हाँ पानी निकलेगा जमीन से। जी जमीन से ओके। दानिश आपको कैसा लग रहा है, इन द मिडल ऑफ नोवेयर हम लोग हैं यार। मुझे ऐसा लग रहा है मैं रेगिस्तान में घूम रहा हूँ। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, मुझे ये है कि रात को कोई जानवर हमला ना कर दे। मुझे कुछ ऐसे ही लग रहा है, डर तो लग रहा है लेकिन रात तो गुजारनी, अब आ तो गए इतनी दूर। मेरा प्लान ये है कि भाई मैं गाड़ी में सोने वाला हूँ। बाकी आप, मेरा भी प्लान यही है, मैंने आपको पहले बताया मैं बाहर सोने वाला बिल्कुल नहीं हूँ। कोई कैंपिंग वैम्पिंग नहीं करनी हमने, सीन नहीं है। यहाँ पे माहौल ऐसा खतरनाक है कि ये तो फिर भी अभी शाम है, रात को पता चलेगा। भाई यार यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करो, प्लाट कब्जा किया, घर खड़ा करो। यहाँ पे बैरियर टाउन बन सकता है, बैरियर टाउन फेज 3 बनेगा यहाँ पे। यहाँ पे हम लोग पानी लाएंगे, यहाँ पौधे उगेंगे, यहाँ पे ऊंट नीचे आएंगे, स्कूल हॉस्पिटल इससे पीछे बनाएंगे। ये आप जरा नाजरीन बच्चों के खेलने के लिए पार्क, ये मलिक रियाज को आइडिया देता जा रहा है। मलिक रियाज कहीं भी आ जाता है तो यहाँ भी आ जाना है। भाई रेम की थोड़ी वीडियो की शूटिंग भी चल रही है और वो भी हम लोग कर रहे हैं, तो हम लोग भाग रहे हैं, एक भेड़ बकरियां चलाने वाला उसके सीन लेने रहीम की वीडियो के लिए। चलो कुछ नहीं होता यार। हाँ अभी हम लोग आए हैं, एक रेगिस्तान ही है ये पूरा। यहाँ पे दानिश के ड्रोन के शॉट्स लेंगे, इसका एक सॉन्ग है उसके, और यहाँ पे इतना प्यारा सीन है ना कि मैं तुम लोगों को बता नहीं सकता। बंदूक क्यों उठाई अपनी? ये
अरे ओ सांब दूसरी बंदूक भी निकालो भाई, दूसरी भी निकालो। ये लोग हैं जो गैर कानूनी शिकार करने यहाँ पे आए हैं, अब्दुल रहीम साहब। नहीं नहीं मैं शिकार नहीं कर रहा। मेरे शिकार कर किस कर रहे हो? मैं शिकार बकरियों की मेंगनों का। क्या है आओ भाई, वो कहते हैं बिरयानी बन रही है, ये वाला पता नहीं कैसी बनेगी, पहली दफा सारे बना रहे हैं। मैं तो इधर बैठा हूँ, देखते हैं। अगर हम लोग यहाँ रात को बच गए तो वीडियोस इस तरह की बनाता रहूँगा, अगर नहीं बचे तो उम्मीद है हमारी दो तीन बोतियाँ बच जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे जंगली जानवर भी बहुत है। आप तो बोल रहे थे आपको बनाना नहीं आते चावल, अभी आपने चावल पकड़े हुए बस यार, लगे हुए हैं ट्राई कर रहे हैं भाई। बियाबान में चावल कभी बनाए आपने? स्मेल तो अच्छी आ रही है, स्मेल अच्छी आएगी इंशाल्लाह, उम्मीद भी अच्छी है, देखते हैं कैसे बनता है। अब ये लाइट जलने वाली है, ये जल पड़ी बियाबान में लाइट। आपने बियाबान दिखाया इनको? मैंने पूरा बियाबान दिखाया, रात का नजारा दिखाया। रात का नजारा नहीं दिखाया क्योंकि हमें कुछ नहीं नजर आ रहा। रात का नजारा दिखाना नहीं, सिर्फ बताना वो कौन सी चीज है, वो लगाना ब्लूटूथ यार, वो खरीदने के लिए खाते हैं, काम आएगा पर खाते नहीं है यार। वो चीज प्लेट है ना भाई, ये मतलब वो नमक तो सही था ना, नमक वगैरह बाकी सब सही है। गाड़ी में आके बैठ गया हूँ और मैं गाड़ी में सोने लगा हूँ। बाहर तो मुझे डर लगता है, मुझे ये कि कोई चीता मीता आके खाना जाए, इसलिए मैं आज यहाँ पे सोने वाला हूँ। दिखाने के लिए और कुछ था नहीं, सिर्फ पार्टी की, खाना वाना खाया, डांस वांस किया इन लोगों ने और बस अभी हम लोग सोने लगे हैं। मैं तुमसे मिलता हूँ कल और सफ़र अभी बाकी है।